दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप फॉर्मेशन 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नईम अमजद एंड खालिद फॉर्म पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल शोन बिलो, ठीक है। उन्होंने कुछ इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है जो कि नीचे गिवन है, ठीक है। नईम ने कैश कंट्रीब्यूट किए हैं 1,50,000 और बिल्डिंग जिसकी वर्थ है 7,50,000, ठीक है। अगर आपको नहीं पता वर्थ है क्या मतलब, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 7,50,000। तो नईम और अमजद और खालिद तीन पार्टनर्स हैं, नईम अमजद एंड खालिद, जिन्होंने मिलके पार्टनरशिप फॉर्म की, कहा कि भैया अब हम पार्टनर्स बन के काम करेंगे, ठीक है। और अब पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए जाहिर सी बात है इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अमजद सबको जो अपने अपने घर से पैसा या कुछ एसेट लेकर आना पड़ता है ताकि बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो स्मूथली रन हो सके, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास अमजद कैश लेकर आता है 1,50,000 का और बिल्डिंग जिसकी वर्थ है 7,50,000 की, ठीक है। तो अमजद ने कैश और बिल्डिंग कंट्रीब्यूट की, नईम ने, ओके। फिर है अमजद ने कैश कंट्रीब्यूट किया 5,00,000 का और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस, बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस जो भी बचता है, क्योंकि इनके इन तीनों पार्टनर्स के जो भी कैपिटल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि 5,00,000 की उसने कैश दे दिए, अब बाकी जो इसका कैपिटल है वो जितने उसके कैपिटल को चाहिए होंगे ना इक्वल होने में, उतने के उसने मर्चेंडाइज दे दिए, ठीक है। जब हम ये जनरल एंट्रीज करेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ खालिद, जिन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट किए जिनकी वर्थ 8,00,000 है एंड द बैलेंस इन कैश, यानी कि जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचता है कि इनका इसका कैपिटल जो है वो इक्वल पाकिस्तान सॉरी दूसरे पार्टनर्स तक इक्वल करने के लिए उसको जो बैलेंस चाहिए वो उसने कैश में पे किया, ठीक है। सो लेट्स रीड द रिक्वायरमेंट्स। सो रिक्वायरमेंट में कि गिव द जनरल एंट्री ऑफ द फर्म और फिर बैलेंस शीट बनाओ इन क्लासिफाइड फॉर्म ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो चलें हम पहले जनरल एंट्रीज इनकी पास करते हैं। तो इसको करने का फॉर्मेट कुछ ये होता है कि आप यहाँ पर टेबल फॉर्म में इस तरह लाइन और रोज कॉलम्स एंड रोज टू रोज करते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और आगे उनका फॉर्म, ठीक है। पार्टनरशिप अगर उनके फॉर्म का कोई नाम है तो आप उसके उनके फॉर्म का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे लेट्स अज्यूम दैट HNZ फाउंडेशन, ठीक है, या प्रोफेशनल ऑडिटर्स, ठीक है। तो मतलब जो भी उनके फॉर्म का नाम है होगा, ठीक है, आप वो लिखोगे। अगर फॉर्म का नाम नहीं है तो आप उनके सिंपल नाम लिखकर आगे पार्टनरशिप लिखोगे, ठीक है। दूसरा जॉइंट जॉइंट की एंट्री और फिर टाइटल ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, जिस तरह आप जॉइंट जॉइंट की जॉइंट जॉइंट के लिए जो फॉर्मेट यूज करते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद नईम, ठीक है। नईम के साथ स्टार्ट लेते हैं। अब देखते हैं कि नईम ने क्या क्या चीजें इन्वेस्ट की, ठीक है। तो नईम ने यहाँ ये हमारी फाइवर आ गई है। नईम ने कैश दिया 1,50,000 का और बिल्डिंग दी जिसकी वर्थ है वो 7,50,000, ठीक है। तो नईम की जो इन्वेस्टमेंट है वो देख लेते हैं। एक है कैश की इन्वेस्टमेंट और दूसरी है लेट मी जस्ट गेट अ ब्लू पेन, कैश और बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम कैश और बिल्डिंग लिख दिया, ठीक है। कैश था हमारा 1,50,000 का जो कि उसने इन्वेस्ट किया और बिल्डिंग थी हमारी 7,50,000 की, ठीक है। और अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे नईम का कैपिटल, नईम्स कैपिटल, ठीक है, जो कि कितना होगा जब आप 150 को प्लस कर दोगे या 1,50,000 को प्लस कर दोगे 7,50,000 से, तो ये आपका बनेगा 9,00,000, राइट। तो यहाँ पे हमने 9,00,000 से इसका कैपिटल लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नहीं मैं उसमें एक चीज डिफरेंट, उसकी जो यहाँ पे हमें डेटा जो गिवन है उसमें एक चीज डिफरेंट है कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इसने जो बाकी का बैलेंस मतलब कुछ कैश देके या मर्चेंडाइज वगैरह देकर पे किया, ठीक है। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कैश इतना इन्वेस्ट किया और बिल्डिंग इतनी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। यानी कि बाकी का कैपिटल भी हम लोगों को 9,00,000 की बनाना है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी डिफरेंस होगा 9,00,000 में, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मर्चेंडाइज से उसने बैलेंस अपना पूरा किया और यहाँ पर लिखा है कि खालिद ने कैश से अपना बैलेंस पूरा किया, ठीक है। तो हम कैश से और मर्चेंडाइज से इनका बैलेंस पूरा कहाँ तक करेंगे,
9 लाख तक करेंगे, तो 9 लाख इज द बेंचमार्क, ठीक है, 9 लाख बेंचमार्क है, और उस बेंचमार्क तक यानी कि उस स्टैंडर्ड तक हमें इन दोनों के पार्टनर्स को भी लेकर जाना है, ठीक है, इन दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल को भी लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट, ठीक है, ऑफ कैपिटल, यानी कि इन दोनों पार्टनर्स ने भी इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना यानी कि लगाना, कैपिटल लगाना, पैसा लगाना, ठीक है. सो वी हैव डन विद द नई, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अमजद. सो यहाँ पर लिखा है कि अमजद ने 5 लाख कैश इन्वेस्ट किया और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैश लिख लेते हैं, अमजद का कैश कितना 5 लाख, ठीक है, क्योंकि 5 लाख उन्होंने कैश की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और बाकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिए. अब हमें पता है कि इनका कैपिटल जो है वो कितना का होगा, अमजद का जो कैपिटल है, अमजद कैपिटल वो होगा हमारे पूरे 9 लाख का, ठीक है, क्योंकि इक्वल तीनों पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, यह हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है. और ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था उसी चीज को ही फॉलो करना है, ठीक है. तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 4 लाख का, ठीक है, क्योंकि 4 + 5 = 9 लाख, ठीक है, तो 4 लाख की उन्होंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन्वेस्ट की, ठीक है, तो अमजद की भी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली और अमजद को भी हमने पार्टनरशिप जब फॉर्म करे तो उसमें ऐड कर लिया. अब हमारा बचता है आखिरी पार्टनर जो है खालिद, इन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट की जिनकी वर्थ 8 लाख है और बाकी जो अपना बैलेंस पूरा करने के लिए या एक स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, बेंचमार्क को बेसिकली मीट करने के लिए उन्होंने कुछ कैश दिया था कि उसका जो बैलेंस है वो पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, या उनका जो कैपिटल है वो दूसरे पार्टनर के कैपिटल के इक्वल हो जाए, ठीक है. तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, तो उन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट दिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, कितने की, 8 लाख की, ठीक है, ये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया. और बाकी उन्होंने कैश की कैश से अपना बैलेंस इक्वल कर दिया, ठीक है, और इनका कैपिटल कितना है, कितना होगा, ऑब्वियसली 9 लाख होगा, क्योंकि ये इक्वल सब पार्टनर्स के कैपिटल इक्वल है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे खालिद, खालिद कैपिटल, ठीक है, जो कि कितना होगा, ऑब्वियसली 9 लाख, ठीक है. और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है वो 1 लाख का आ रहा है, ठीक है, तो 1 लाख को हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि इन्होंने कैश 1 लाख के इन्वेस्ट किया और फिर इक्विपमेंट 8 लाख का इन्वेस्ट किया, तो जिसकी वजह से इसका कैपिटल इक्वल आ रहा है दूसरे पार्टनर्स के, ठीक है. और सिमिलरली हमारे अमजद ने मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री जो 4 लाख की इन्वेस्ट की और कैश 5 लाख का इन्वेस्ट किया, ताकि इनका कैपिटल सिमिलर आ जाए इन दोनों के, ठीक है, क्योंकि ये इन तमाम पार्टनर्स के जो कैपिटल की कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट, तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एडिंग डाल देंगे बैलेंस शीट की, ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड मेक द फॉर्मेट ऑफ इट. सो बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट या पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि एक साइड पे आप एसेट और दूसरी साइड पे आप लाइबिलिटीज और इक्विटीज यानी कि कैपिटल रिकॉर्ड करते हो, ठीक है. सो एसेट में दो तरह के एसेट होते हैं हमारे पास, करंट और नॉन करंट एसेट, ठीक है. ऑब्वियसली आपको ये पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आए तो यू नो दिस, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ ताकि यादें थोड़ी ताज़ा हो जाएं, ठीक है. सो लाइबिलिटीज में भी नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज होती हैं. अब नॉन करंट और करंट में ये फ़र्क होता है कि नॉन करंट वो होती हैं जो कि विद इन 1 मंथ में जो कि लिक्विडेट हो सकें, ठीक है, एसेट की बात कर रहा हूँ. और नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर लिक्विडेट ना हो सकें, ठीक है, यानी कि आप उनको जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप कभी भी जिसको जो है बेच सकते हो, या आपके पास वो 1 साल से ज्यादा से नहीं पड़ी हुई, मतलब ज्यादा अरसे से नहीं होगी, ठीक है, आप मतलब विद इन 1 ईयर आप उसको जब सेल कर दोगे तो इसका मतलब वो जो आपका एसेट है वो आपका करंट एसेट है, ठीक है. और नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो 1 साल से ज्यादा
जिसकी आप प्लानिंग करते हो कि मैं इसको रखूंगा, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ठीक है, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स या मशीनरीज, ठीक है, तो ये वो एसेट्स होते हैं जो कि एक बिजनेस प्लान करता है कि मैं इसको एक साल के अरसे से ज्यादा रखूंगा, ठीक है। वो ऐसे एसेट जो कि एक साल के अरसे से कम में है, यानी कि विद इन वन ईयर वो सेल आउट हो जाते हैं, तो वो आपके नॉन करंट एसेट होंगे, ठीक है। फिर इन लाइबिलिटीज में करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो कि एक जिनका अरसा एक साल से ज्यादा वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है, उनको आप नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हो। और करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनका जो अरसा है विद इन वन ईयर होता है, यानी कि वन ईयर में वो पेड हो जाती हैं, ठीक है, थीके? तो उन लाइबिलिटीज को हम नॉन करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। और इक्विटीज हमारे कैपिटल्स होते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्रेटर में हमारा सिर्फ एक ही कैपिटल होता है, हम नाम नहीं लिखते हैं। और इसी तरह ही जब कंपनी की हम बात करते हैं तो कंपनी में आप लिखते हो स्टॉक होल्डर इक्विटी, क्योंकि वहां पर सेवरल पार्टनर्स होते हैं, अनलिमिटेड लोग होते हैं जो कि एक कंपनी को या एक एंटिटी को ओन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट और नॉन करंट का पोर्शन अलग नहीं बना रहे हैं, ठीक है, थीके? आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, थीके? बल्कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन करंट और करंट एसेट्स को डिफरेंटली या सेपरेटली लिखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको मैं अगर सेपरेटली लिखता हूँ तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पर जो है सिंपल हमारे तमाम एसेट्स एक साथ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश बिल्डिंग, ठीक है, कैश और बिल्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो एसेट है वो है कैश, और फिर दूसरा है बिल्डिंग, ठीक है। अब कैश कितने का है, 1,50,000 यहाँ पे कैश है, और 5,00,000 यहाँ पे कैश है, कितना हो गया, 5,00,000 प्लस 1,50,000, दिस इज 6,50,000, ठीक है। फिर एक कैश यहाँ पर भी है 1,00,000 का, तो 6,50,000 प्लस 1,00,000 दिस वुड बी 7,50,000, तो 7,50,000 का हमारे यहाँ पे कैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं उसकी 7,50,000, ठीक है। बिल्डिंग हमारे पास 7,50,000 की है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 7,50,000 की बिल्डिंग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4,00,000 की, ठीक है, तो यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4,00,000 की, ठीक है, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर ली। और फिर हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। अब इनमें से करंट और नॉन करंट एसेट कौन कौन से, कैश जो है ये करंट एसेट है, बिल्डिंग नॉन करंट है, ठीक है, कैश स्टिल कैश अगेन करंट एसेट, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो आप इस तरह जो सेपरेटली करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का कॉलम बना के कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ना टाइम मतलब ये वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं मतलब ये छोटे छोटे काम भी करने लगूंगा, ठीक है, आई मीन छोटे छोटे काम नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन करंट और करंट जो है वो सेपरेटली लिखो, ठीक है। मैं जो है ऑनेस्टली अगर आपसे बताऊँ या ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मैं काफ़ी लेजी हूँ इस मामलों में, ठीक है। So this is why I'm not making it, but you should make it. You should separate the current and non-current asset, ठीक है, and you should make the separate entry of it, ठीक है। So फिर हमारे पास office equipment है जिसको हम यहाँ पे record कर लेते हैं, office equipment, ठीक है, कितने का है office equipment, 8,00,000 का, ठीक है, तो हम यहाँ पे record कर लेते हैं 8,00,000 office equipment, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे टोटल एसेट्स भी लिख लेते हैं। अब कैलकुलेटर निकाल के इसको पूरा सम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारे पास 7,50,000 का कैश, ठीक है, फिर 7,50,000 की बिल्डिंग, फिर था हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4,00,000 का, ठीक है, फिर था हमारे पास 8,00,000 का इक्विपमेंट, ठीक है, तो ये आ गए 27,00,000, ठीक है, 27,00,000, तो यहाँ पे हम 27,00,000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज में आपके पास तमाम इन सब की कैपिटल आएंगे, ठीक है, नईम, अमजद और खालिद की कैपिटल, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे तमाम पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिए हैं,
अब हम इन तमाम कैपिटल को एड अप कर लेंगे, ठीक है। सो 9 लाख थ्री टाइम्स है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, तो ये आ जाएगा मेरा 27 लाख, ठीक है। 27 लाख इस साइड पे भी पूरा आएगा, ठीक है, 27 लाख। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।